डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत का भौतिक भूगोल। भारत के भौतिक भूगोल टॉपिक के अंतर्गत अभी तक 6 क्लास हो चुकी हैं। आज जो क्लास होने जा रही है ये 7वीं क्लास है। हमने अभी तक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया, उत्तरी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन किया और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में। आज प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत ही दो टॉपिक और बाकी हैं या दो पॉइंट बाकी हैं, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। कल नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको पश्चिमी घाट के बारे में बताया था, लेकिन वो बीच में रह गई, इसकी वजह से हम पश्चिमी घाट का पुनः रिवीजन करेंगे और उसके बाद पूर्वी घाट। तो आप हेडिंग लिखिए पश्चिमी घाट। टॉपिक का नाम क्या है? भारत का भौतिक या हम कह सकते हैं भौगोलिक विभाजन। विभाजन, इस भौतिक या भौगोलिक विभाजन में अध्ययन किया सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। सेकंड नंबर पर उत्तरी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन किया और आज हम अध्ययन करेंगे यह जो चल रहा है अभी, तो वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे, इसी का पॉइंट है। इसको अपन बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो मित्रों, आप हेडिंग लिखिए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को मैं कई बार दर्शा चुका हूं मैप में, एक बार पुनः आपको रिवीजन करवा देता हूं कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है। इसे कहते हैं, ये है जैसे बन गया भारत का मानचित्र, इसके अंतर्गत यहां से लेकर के और यहां तक एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है या पर्वत माला पाई जाती है। ये यहां पे तापी घाटी से प्रारंभ होती है। कौन सी घाटी? तापी घाटी से प्रारंभ होकर के और यहां पे कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? पश्चिमी घाट का। तापी घाटी से कन्याकुमारी तक विस्तार पाया जाता है। इस तापी घाटी या कह सकते हैं हम पश्चिमी घाट का जो ढाल है, इधर पूरब की तरफ, इधर कौन सी है? पूरब दिशा, और इधर कौन सी है? पश्चिम, पश्चिम दिशा। तो इसका ढाल पश्चिम की तरफ तो तेज पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? तेज। जबकि पूरब की तरफ इसका मंद ढाल पाया जाता है। ढाल इसका पूरब की तरफ मंद ढाल पाया जाता है, जबकि पश्चिम की तरफ इसका तेज ढाल पाया जाता है। किसका? पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा होती है। और वो सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि पश्चिमी घाट जब बंगाल की खाड़ी का मानसून इधर से आता है और अरब सागरीय जो मानसून भारत में प्रवेश करता है, वो अरब सागरीय मानसून इस प्रकार से भारत में प्रवेश करता है, और जब यह भारत में प्रवेश करता है तो इन पश्चिमी घाटों से जाकर के टकरा जाता है वो मानसून। पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक होने के कारण
यहां टकराता है, संघनन की क्रिया होती है और संघनन की क्रिया के दौरान यहां पे वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है अरब सागरीय मानसून से वो कहां पर होती है, इन पश्चिमी घाट के अंतर्गत होती है। लगभग 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? लगभग 300 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है पश्चिमी घाट, तो किस मानसून से होती है? अरब सागरीय मानसून से होती है, या हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। और जब अधिक वर्षा होती है इन पश्चिमी घाट में, तो अधिक वर्षा होने के कारण यहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और जब आपको पता है वर्षा अधिक हो रही है, वनस्पति भी अधिक मात्रा में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जो जैव बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो भी कहां पाई जाती है? इन पश्चिमी घाट के अंतर्गत जैव विविधता पाई जाती है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं साथ साथ में पश्चिमी घाट, या मैं लिख देता हूं सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग कितना होता है, लगभग 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है पश्चिमी घाट में। यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जब सदाबहार वनस्पति यहां पे पाई जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाएगी? सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो जैव विविधता। तो सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता जो पाई जाती है, जैव बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है, वो कहां पाई जाती है? इन पश्चिमी घाटों के अंतर्गत पाई जाती है। इन पश्चिमी घाट का ढाल अगर मैं बात करूं, तो ढाल, इसका ढाल, पश्चिमी ढाल जो है वो तो कैसा है, मंद पाया जाता है, सॉरी पश्चिमी ढाल तेज है, पूर्वी ढाल मंद है, तो पश्चिमी ढाल तेज पाया जाता है, जबकि जो इसका पूर्वी ढाल है वो कैसा पाया जाता है, मंद पाया जाता है। इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसे क्या कहा जाता है, सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत, इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस पर्वतीय प्रदेश को या इस पश्चिमी घाट को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है मुख्यतः। कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है? तो तीन भागों में इसे बांटा जाता है। पहला जो है उसे हम बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। दूसरे नंबर पर आता है उसको अपन बोलते हैं मध्य सह्याद्री, और थर्ड नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं हम दक्षिणी सह्याद्री। इस पश्चिमी घाट को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तीन भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इनका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है? तो उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार पाया जाता है, ये यहां पर तापी घाटी से लेकर के और यहां पर 16 डिग्री अक्षांश है, 16 डिग्री नॉर्थ तक। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इसका विस्तार जो है, विस्तार कहां से कहां तक है, तो तापी घाटी से लेकर कहां तक, 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक, 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? उत्तरी सह्याद्री का विस्तार पाया जाता है, या हम कह सके तो महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करें तो कौन से राज्य में इसका विस्तार है? महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट मध्य सह्याद्री, और मध्य सह्याद्री के जब विस्तार की बात करते हैं तो मध्य सह्याद्री का जो विस्तार है वो पाया जाता है 16 डिग्री अक्षांश से लेकर के, 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर 11 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक।
11 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक पाया जाता है, या हम कह सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों तक। नीलगिरी की पहाड़ियों तक पाया जाता है इनका विस्तार। किसका, कौन सी पहाड़ियों का? मध्य सह्याद्री का विस्तार 16 डिग्री अक्षांश से लेकर 11 डिग्री तक, और 11 डिग्री कह सकते हैं हम यहां तक, या 11 डिग्री नॉर्थ, या हम कह सकते हैं कौन सी पहाड़ियां हैं यहां पे, तो नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियों तक पाया जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों तक यहां पे विस्तार पाया जाता है। किसका? मध्य सह्याद्री का विस्तार। जबकि दक्षिणी सह्याद्री का जो विस्तार पाया जाता है, इस दक्षिणी सह्याद्री का जो विस्तार है ये पाया जाता है 11 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी, या हम कह सकते हैं कन्याकुमारी कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा में अपन को इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो उत्तरी सह्याद्री है, इस उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है तलसुबाई। इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उस ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है तलसुबाई। क्या नाम है? तलसुबाई। और इस तलसुबाई जो चोटी है, इस तलसुबाई चोटी की जो ऊंचाई है वह है 1646 मीटर ऊंची है ये। और इस तलसुबाई चोटी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकलती है मित्रों? गोदावरी नदी का क्या होता है उद्गम, अगर बात करें तो कहां से होता है? इस तलसुबाई चोटी से होता है, या हम कह सकते हैं उत्तरी सह्याद्री से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आती है, इसी की दूसरी जो चोटी है उसका नाम है महावलेश्वर। महावलेश्वर चोटी है, और इस महावलेश्वर जो चोटी है, इस महावलेश्वर चोटी की ऊंचाई जो है वो है 1438 मीटर है मित्रों। कितनी है? 1438 मीटर इसकी ऊंची आई है। और इससे जो नदी का उद्गम होता है उसे कहते हैं कृष्णा नदी। इससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है, कौन सी चोटी से? महावलेश्वर चोटी से। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है तलसुबाई, और तलसुबाई चोटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो तलसुबाई चोटी से जो नदी का उद्गम होता है वो गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा महावलेश्वर चोटी है, और महावलेश्वर चोटी 1438 मीटर है, जहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी चोटी से? महावलेश्वर चोटी से। इसके अलावा नेक्स्ट हम याद रखेंगे कि मध्य सह्याद्री, और मध्य सह्याद्री का जो विस्तार है इसका विस्तार पाया जाता है कर्नाटक राज्य में। कहां पाया जाता है? तो कर्नाटक में इसका विस्तार पाया जाता है मुख्यतः, और मध्य सह्याद्री में यहां पे जो पहाड़ियां मिलती हैं, तो यहां पे कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं? तो यहां पे बाबा बुदन की पहाड़ियां मिलती हैं, बुदन की पहाड़ियां मिलती हैं। और बाबा बुदन की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, और इन चोटियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख चोटी। कौन सी चोटी है? कुद्रेमुख चोटी। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख चोटी है। ये आरएएस की एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख चोटी। आरएएस की एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। और मध्य सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है कुद्रेमुख चोटी। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है दक्षिणी सह्याद्री, और दक्षिणी सह्याद्री का जो विस्तार है, ये दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार कहां से? 11 डिग्री अक्षांश से लेकर के कन्याकुमारी तक, या 8 डिग्री अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है, या हम कह सकते हैं ये 11 डिग्री अक्षांश से यहां पे कर्नाटक का स्थान है मैंगलुरु। मैंगलुरु,
तो मैंगलुरु में इसका विस्तार पाया जाता है, मैंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है, और इन दक्षिणी सह्याद्रियों में यहाँ पे कई पर्वत श्रेणियां या पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी हैं मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। देखो यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि एक सेकंड मित्रों, फैन चला देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री की इसमें अपन को याद रखना है, मैं यहां लिख देता हूं दक्षिणी सह्याद्री हेडिंग, दक्षिणी सह्याद्री। जो दक्षिणी सह्याद्री है, ये दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार पाया जाता है 11 डिग्री से लेकर के 11 डिग्री नॉर्थ, या हम कह सकते हैं मैंगलुरु। मैंगलुरु, ये मैंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटक या मैंगलुरु कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है, या कह सकते हैं हम 8 डिग्री 4 मिनट तक इसका विस्तार पाया जाता है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में कौन सी पहाड़ियां आती हैं, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, पहाड़ियां मिलती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां मिलती हैं। और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे मुख्यतः पाई जाती हैं, इसके अलावा यहाँ पे अन्य पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे अन्ना मलाई की पहाड़ियां, और अन्ना मलाई की पहाड़ियां, अन्ना मलाई की पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जैसे यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियां पाई जाती हैं, कार्डमम की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और इसके अलावा भी यहाँ पे पालमी, या हम कह सकते हैं पालनी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। पहला, दूसरा और थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां पाई जाती हैं, कार्डमम की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और पालनी या पालमी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये सभी कहाँ पाई जाती हैं, इस दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत पाई जाती हैं। जो अन्नामलाई की पहाड़ियां पाई जाती हैं, इनकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है, इस चोटी का नाम है अन्नाई मुदी। इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अन्नाई मुदी, या हम कह सकते हैं कई बुकों में लिखा मिलता है अन्नामूली। तो अन्नाई मुदी कहे या अन्नामूली जो चोटी है वो कहाँ पाई जाती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में पाई जाती है, या हम कह सकते हैं दक्षिणी सह्याद्री में पाई जाती है। और इस चोटी का जो ऊंचाई है वो है 2696 मीटर है, और इसको हम कह सकते हैं ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी बताई जाए तो कौन सी है, अन्नाई मुली है, और कितनी है 2696, या कई बुकों में इसको 2695 भी दे रखा है। तो आपको याद रखना है अन्नामूली दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पाई जाती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको सेकंड नंबर पर याद रखना है कार्डमम की पहाड़ियाँ, और ये कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये मसालों के लिए फेमस हैं। किसके लिए, मसाले या इलायची के लिए फेमस हैं, इलायची के लिए फेमस है, या कार्डमम की पहाड़ियों को मसालों की पहाड़ियां भी कहा जाता है, मसालों के लिए फेमस हैं कार्डमम की पहाड़ियां। इसके अलावा जो पालमी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, इन पालमी की पहाड़ियों में यहां पर, ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं, और पालमी की पहाड़ियों में तमिलनाडु का जो प्रमुख हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, मैं समझता हूँ,
क्योंकि हिल स्टेशन होती है ऐसी चीज है, मतलब एक प्रकार से दिल को शांति मिलती है यहाँ पे जाने से, क्योंकि जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए खुशी है, और अगर नहीं हुई तो उनके लिए और ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि आपको एक पॉइंट और मिल गया जाने के लिए। तो जो तमिलनाडु का जो प्रमुख हिल स्टेशन है, क्या नाम है इसका, तो तमिलनाडु का जो प्रमुख हिल स्टेशन, प्रमुख हिल स्टेशन, जो तमिलनाडु का प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसका नाम है कोडई कनाल। कोडई कनाल, ये जो कोडई कनाल है कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, ये पालमी की पहाड़ियों में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है इस सह्याद्री के अंतर्गत। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इसी में अगली जो पहाड़ियां हैं जिनको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, और नीलगिरी की पहाड़ियां नेक्स्ट में हेडिंग लिख देता हूं, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में पाई जाती है। कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये जो भाग है भारत के नक्शे में जो नीचे वाला, यहां पे पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियां। यहां केरल का भी भाग है, इसके अलावा कर्नाटक का पार्ट भी आता है और नीचे तमिलनाडु का पार्ट भी आता है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में जो पाई जाती है वो कौन सी पहाड़ियां हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां मिलती हैं। नीलगिरी की जो पहाड़ियां यहां पर पाई जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में ये मुख्यतः नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती हैं। यहां पर चाय के लिए फेमस है, ये चाय के बागान मिलते हैं, चाय के बागान मिलते हैं। इसके अलावा यहां पे एक जनजाति मिलती है जिसको अपन बोलते हैं टोडा जनजाति। क्या नाम है, टोडा जनजाति, और एक टोडा जनजाति यहां पे पाई जाती है। और ये टोडा जनजाति है ये किसके लिए फेमस है, तो भैंस पालन के लिए फेमस है, ये भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पाई जाती है, इन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है डोडा बेटा, डीओ डोडा बी ए डबल टी है। ये डोडा बेटा है, ये कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और इस डोडा बोटा ये है, ये 2637 मीटर ऊंची है, हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, डोडा बेटा हो जाएगी। और ये डोडा बेटा चोटी कहाँ पाई जाती है, इन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। इसके अलावा इन नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में आकर के मिल जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर के ये आपस में मिल जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट में कई दर्रे पाए जाते हैं, उन्हें मैं बताऊंगा, एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं और फिर इसको मिटाएंगे। देखो मित्रों, सबसे पहले आपको याद रखना है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर, लगभग 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है पश्चिमी घाट के अंतर्गत। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अरब सागरीय मानसून है, या हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, या जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मियों में जो आता है, जुलाई के माह में जो मानसून आता है, जून जुलाई में, वो मानसून इन पश्चिमी घाट से आकर के टकराता है।
और जब यहाँ टकराएगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा लगभग 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जब वर्षा होगी उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाएगी, वनस्पति पाई जाएगी। और मित्रों जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में या जैव विविधता पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है या उसकी वैरायटी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ऑटोमेटिक वहां पर क्या पाई जाएगी, जैव विविधता या जैव बायोडाइवर्सिटी वहां पर मिलेगी। अगर हम पश्चिमी घाट के ढाल की बात करें तो पश्चिमी घाट का ढाल जो पश्चिमी भाग है उसका ढाल तेज पाया जाता है और पूर्वी भाग का ढाल मंद पाया जाता है। इन पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किसे, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार पाया जाता है तापी घाटी से लेकर के 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक है। कितने डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक इसका विस्तार पाया जाता है। मुख्यतः हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा इसकी उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है तलसुबाई। क्या नाम है, तलसुबाई चोटी है। और तलसुबाई चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1646 मीटर ऊंचाई है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है महाबलेश्वर चोटी। और महाबलेश्वर जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो 1438 मीटर। और तलसुबाई चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जबकि मित्रों महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कृष्णा नदी का उद्गम। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा, अगर आपको लगे मैं जल्दी बोल रहा हूं तो स्लो बोलूंगा, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस हिसाब से चला जाएगा। तो महाबलेश्वर चोटी कितनी है, 1438 मीटर है, तलसुबाई 1646 मीटर है। तलसुबाई से गोदावरी नदी और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है सेकंड नंबर मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री का विस्तार मुख्यतः 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नीलगिरी की पहाड़ियों तक है और कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। और मध्य सह्याद्री के जो बाबा बुदन की यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलती हैं जिनकी सबसे ऊंची चोटी है वो कुद्रेमुख चोटी है। इसके अलावा नेक्स्ट दक्षिणी सह्याद्री, और दक्षिणी सह्याद्री 11 डिग्री से कन्याकुमारी तक 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है। मित्रों अब नेक्स्ट देखते हैं, आप हेडिंग लिखिए पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं। तो हेडिंग लिखो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे प्रमुख। तो पश्चिमी घाट में दर्रे पाए जाते हैं और वो कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे दर्रा पाया जाता है वो यहाँ पर है पहला, दूसरा इधर है, और तीसरा और चौथा जो पाए जाते हैं वो यहाँ पर तीसरा और चौथा इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट में जो दर्रे पाए जाते हैं, सबसे पहला दर्रा पाया जाता है इसको अपन बोलते हैं थाल घाट। दूसरे नंबर पर आता है भोर घाट। नेक्स्ट है पाल घाट, और सबसे जो अंत में है सेनकोट्टा घाट। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत चार दर्रे पाए जाते हैं प्रमुख, और वो दर्रे कौन कौन से हैं, सबसे पहले थाल घाट, दूसरे नंबर पर आता है भोर घाट, फिर पाल घाट, और सबसे अंत में आता है सेनकोट्टा घाट। किस नाम से, क्या नाम है, सेनकोट्टा घाट। देखो मित्रों सबसे पहले जो थाल घाट है, ये थाल घाट किस किस को जोड़ता है, तो ये मुंबई को किससे जोड़ता है, ये तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कौन सा घाट है वो, तो थाल घाट है। और इसमें से कौन सा एनएच गुजरता है, तो NH3 कहां से होकर के गुजरता है, इसे थाल घाट से होकर के गुजरता है, याद हो जाएगा, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आता है भोर घाट, ये भोर घाट भी किसको जोड़ता है,
मुंबई को ये पुणे से जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। भोरघाट यहां से NH 4 यहां से होकर के गुजरता है। थालघाट में तो NH 3, भोरघाट से होकर के NH 4 गुजरता है। जबकि थर्ड नंबर पर आता है पालघाट, ये पालघाट कोची को तिरची से जोड़ता है। ये किसको? कोची को तिरची से जोड़ता है। ये कोची केरल में है जबकि ये यहां पर तमिलनाडु में है। कोची को तिरची से जोड़ता है और NH 47 किस ओर से? पालघाट से होकर के गुजरता है। इसके अलावा नेक्स्ट सबसे अंत में बचा है सेनकोटा। ये सेनकोटा है, ये तिरुवनंतपुरम को, किसको? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम कहां पर है? ये केरल में है। और मदुरई कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ये मदुरई तमिलनाडु में, तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है और यहां से होकर के NH 49 यहां से होकर के गुजरता है। तो ये चार दर्रे आपको इंपॉर्टेंट है, चार दर्रे जो कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के अंतर्गत पाए जाते हैं। मैं समझता हूं ये चारों आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं हुए हैं तो मैं एक बार आपको रिविजन करवा देता हूं। सबसे पहले तो आप इनके नाम याद रख लो बस। पहला थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा। एक बार वीडियो से इधर की तरफ मुंह करके या मन ही मन में आप बोलो थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा। जो थालघाट पाया जाता है मुंबई से नासिक को जोड़ता है, NH 3 गुजरता है यहां से। भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, NH 4 गुजरता है यहां से। पालघाट कोची को तिरसी से जोड़ता है या ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और NH 47 यहां से होकर के गुजरता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेनकोटा, ये सेनकोटा तिरुवनंतपुरम को, केरल को, मदुरई तमिलनाडु से जोड़ता है और NH 49 यहां से होकर के गुजरता है। तो ये था मित्रों पश्चिमी घाट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। तो आप अगली हेडिंग लिखिए पूर्वी घाट। और सबसे अंत में ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का सबसे लास्ट पॉइंट है जिसका नाम क्या है? पूर्वी घाट। किसका लास्ट पॉइंट है ये? तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो थर्ड नंबर पर है उसका अंतिम और सबसे लास्ट बिंदु जो हम लिखेंगे या जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो वो पूर्वी घाट है। और अब आप हेडिंग लिखिए पूर्वी घाट। मैं समझता हूं आपने लिख लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट समझिए, यहां लिख देता हूं मैं पूर्वी घाट। ये जो पूर्वी घाट पाए जाते हैं तो पूर्वी घाट, इसको भी मिटा देता हूं, यहां बना देता हूं मैं एक छोटा सा तो ये बन गया भारत। और इधर तो हमने अभी अध्ययन किया था पश्चिमी घाट, अब मित्रों अध्ययन करेंगे पूर्वी घाट। तो ये पूर्वी घाट यानी कह सकते हैं हम पूर्वी तटीय सीमा के समांतर स्थित है। पूर्वी घाट ये जो पूर्वी घाट है यहां पे एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है महानदी। तो ये महानदी से प्रारंभ होता है यहां पे
और लास्ट में एक यहाँ नदी पाई जाती है जिसका नाम है वैगई नदी। तो सबसे पहली बात तो पूर्वी घाट का विस्तार, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, तो महानदी से लेकर महानदी से किसके बीच में, कौन सी नदी, वैगई नदी के मध्य पाया जाता है। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक, तो महानदी से लेकर के लास्ट में दक्षिण में पाई जाती है वैगई नदी। इस वैगई नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है, किसका, पूर्वी घाट का विस्तार पाया जाता है। ये जो पूर्वी घाट पाया जाता है इसका पश्चिमी घाट की तुलना में यहां पे कम वर्षा होती है, पश्चिमी घाट की तुलना में यहां पे कम वर्षा होती है क्योंकि इनकी ऊंचाई कम पाई जाती है। और यहां पे जो वर्षा होती है, तो यहां पे जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होता है। बंगाल की खाड़ी मानसून से यहां पे वर्षा होती है। एक प्रकार से वृष्टि छाया प्रदेश है, और जो भी यहां पे वर्षा होती है वो वर्षा ज्यादातर मात्रा में लौटते हुए मानसून से होती है। किससे होती है, वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। मानसून से होती है, जब सितंबर के बाद में मानसून वापस लौटता है, और वापस लौटते समय इधर से जब वापस लौटता है फिर बंगाल की खाड़ी से यहां से जल ग्रहण करता है और इस प्रकार से इस तटीय क्षेत्रों में वर्षा करता है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। आपने सुना होगा नवंबर दिसंबर में दिवाली के आसपास हर बार कि तमिलनाडु में भारी बारिश, बाढ़ के संकेत, या तमिलनाडु में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, ऐसे अखबार में आपको अक्सर हेडिंग मिलती रहती है हर साल। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है इस पूर्वी घाट के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट में कई पर्वतमालाएं पाई जाती हैं या पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। जैसे यहां पे एक पर्वत चोटी पाई जाती है, पर्वत चोटी, तो यहां पे जो पर्वत चोटी पाई जाती है, जैसे अरोया कोंडा, अरोया, एक अरोया कोंडा पर्वत चोटी पाई जाती है जो 1197 मीटर ऊंची चोटी है, जो पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी है। इसके अलावा एक यहां पे महेंद्रगिरी पाई जाती है, महेंद्रगिरी चोटी पाई जाती है, और महेंद्रगिरी चोटी की जो ऊंचाई है ये, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है महेंद्रगिरी। तो ये अरोया कोंडा और महेंद्रगिरी इस पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियां हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में और भी चोटियां पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में और जो चोटियां पाई जाती हैं, जैसे पालकोंडा, नालकोंडा, एरामल्ला, नाला मल्ला, मतलब ये लाला जो आ जाए, कोंडा आ जाए, वो सब कहां पे पाई जाती हैं, पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। ये आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, नालकोंडा, एरामल्ला, नाला मल्ला, ये सब चोटियां हैं जो कहां पाई जाती हैं, इस पूर्वी घाट के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी यहाँ पे चोटियां पाई जाती हैं। तो तमिलनाडु में जो चोटियां पाई जाती हैं, जैसे जावोडी एवं शिवरोय, जावोडी एवं शिवरोय जो चोटियां पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, इस तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त आपको लास्ट पॉइंट याद रखना है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं, आपस में
मिल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में कहाँ जाकर के मिलते हैं, तो इन नीलगिरी की पहाड़ियों में, यहाँ पे जो हमने अभी नीलगिरी की पहाड़ियाँ पढ़ी उन नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर के ये आपस में मिल जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक हमारा समाप्त हो गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, या जो कह सकते हैं ये जो पार्ट थे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो हमारा प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश का जो टॉपिक है वो यहाँ पे आकर के कंप्लीट होता है। अभी जो नेक्स्ट अगला जो फोर्थ नंबर जिसको हम कह सकते हैं तटवर्ती मैदानी प्रदेश, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए तटवर्ती मैदानी प्रदेश। अब हम अध्ययन करेंगे तटवर्ती मैदानी प्रदेश का। जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश फोर्थ नंबर डालना है, क्योंकि पहले हमने सबसे पहले पढ़ा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरे नंबर पे उत्तरी मैदानी प्रदेश, और थर्ड नंबर पे जो था उसका अध्ययन किया प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और अब आपको अध्ययन करना है फोर्थ नंबर पे जिसका नाम है तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तटवर्ती मैदानी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, और तटवर्ती जो मैदानी प्रदेश है इसका जो विस्तार पाया जाता है वो कहां से कहां तक है, ये मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। एक मिनट में दबाव डाल लेता हूं मित्रों। तो मित्रों नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे तटवर्ती मैदानी प्रदेश। ये जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश जो पाया जाता है ये भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश का, या हम कह सकते हैं प्रादेशिक विभाजन का फोर्थ नंबर का प्रदेश है, और इस प्रदेश के अंतर्गत मैदान पाए जाते हैं, और इन मैदानों का जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है कि नदियों के द्वारा। इसके अलावा जो ज्वार भाटे जो आते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। ये मैदान यहां से लेकर के हमने जो अभी अध्ययन किया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये था पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और ये तटवर्ती मैदान है, तो मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र जो ये बीच का जो पार्ट पाया जाता है मित्रों इसे हम बोलते हैं तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। और इस तटवर्ती मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार पाया जाता है यहां पे कच्छ प्रायद्वीप से प्रारंभ होता है। कौन सा प्रायद्वीप? कच्छ प्रायद्वीप। इस कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के इसका, और यहां पे एक नदी पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के और स्वर्ण रेखा नदी तक लगभग 6100 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? तो अपने को याद रखना है तटवर्ती मैदानी प्रदेश का, तटवर्ती मैदानी प्रदेश। ये तटवर्ती मैदानी प्रदेश जो फोर्थ नंबर है, इस तटवर्ती मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी तक पाया जाता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं विस्तार कहां से कहां तक है, तो कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के और यहां पर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी तक, स्वर्ण रेखा नदी तक लगभग कितना हो जाएगा, तो 6100, कई बुकों में 6000 भी मिलता है, तो 6100 किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? तटवर्ती मैदानी प्रदेश का। और जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश, इसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, तो इनका जो निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा, किसके द्वारा? नदियों के द्वारा, प्लस जो ज्वार भाटे आते हैं, ज्वार
भाटा के निच्छेपन से हुआ है। निच्छेपन से हुआ है क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में ज्वार भाटे आते हैं, और जब ज्वार भाटे आते हैं तो बहुत सी मिट्टी को ला करके वहां जमा कर देते हैं, या नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स जो जमा किए जाते हैं उन सेडिमेंट्स के द्वारा, या ज्वार भाटे के द्वारा जो निक्षेपण जो जमा किए जाते हैं उन निक्षेपणों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। किसका? तटवर्ती मैदानी प्रदेश का। इन तटवर्ती मैदानी प्रदेशों को दो भागों में बांटा जाता है। से दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है ये जिसको हम बोल सकते हैं वो है तटवर्ती, या कह सकते हैं हम पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान, और दूसरे नंबर पर आता है मित्रों पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान, पहले हम हेडिंग कर लिखते हैं या कह सकते पढ़ेंगे पश्चिमी तटवर्ती मैदान के बारे में। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान दो भागों में इसे बांटा जाता है। पहले आप हेडिंग लिखिए पश्चिमी तटवर्ती मैदान। ये जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान का इसका विस्तार कहां से पाया जाता है? इस कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के और यहां कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसका विस्तार मैं लिख दूं यहां पे के विस्तार, तो इसका विस्तार हो जाएगा कहां से कहां तक? कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के, कच्छ प्रायद्वीप से और कहां तक है? कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। और जो तटवर्ती मैदान है, इन तटवर्ती मैदानों का विस्तार कच्छ से कन्याकुमारी तक है। इन मैदानों का विस्तार, इनका विस्तार पूर्वी तटवर्ती मैदान की तुलना में कम पाया जाता है। और इनका जो कम पाए जाने का जो कारण है कि मित्रों अभी मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है या पश्चिमी जो घाट है, इन पश्चिमी घाटों की ऊंचाई अधिक पाई जाती है, और ऊंचाई अधिक पाई जाती है इनका ढाल पश्चिम की तरफ तेज ढाल पाया जाता है, जबकि पूर्व की तरफ इनका मंद ढाल पाया जाता है, मैंने ऐसे आपको बताया था। तो जब पश्चिम की तरफ इनका ढाल तेज पाया जाता है तो नदियां जो स्पीड से नीचे की तरफ बहती हैं तो वहां पे क्या नदमुखों का निर्माण कर देती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जब एस्चुरी का निर्माण कर देती हैं तो वहां पे उसका जो तट है वो कटाफटा हो जाता है। तो यहां पर नदियां क्या करती हैं? नदियां तेज ढाल के कारण, ढाल के कारण किसका निर्माण करती हैं? तो नदमुखों का, नदमुख या हम कह सकते हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं, का निर्माण कर देती हैं। जब एस्चुरी का निर्माण होता है, नदमुखों का निर्माण होता है, तो इन मैदानों की चौड़ाई कम पाई जाती है। कौन से मैदानों की चौड़ाई? तो पश्चिमी तटवर्ती मैदानों की चौड़ाई। इसको विभिन्न प्रादेशिक नामों से भी जाना जाता है। जैसे कौन कौन से विभिन्न प्रादेशिक नाम है तो आपको याद रखना है, जैसे कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात के मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ तट, ये जो होते हैं मालाबार तट, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको याद रखता हूं इसको विभिन्न प्रादेशिक नामों में, और सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे वो पहला है कच्छ प्रायद्वीप। ये जो कच्छ प्रायद्वीप पाया जाता है, इस कच्छ प्रायद्वीप का विस्तार, ये कच्छ यहां पे जो पाया जाता है ये कच्छ प्रायद्वीप पाया जाता है। इसका जो निर्माण हुआ है कच्छ प्रायद्वीप का निर्माण, तो इसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है मित्रों? तो इसका निर्माण हुआ है सिंधु एवं उसके द्वारा जो सहायक नदियां उसकी,
उनके द्वारा यहां पे दलदली क्षेत्र का निर्माण किया गया, यहां पे लवणीय क्षेत्र का निर्माण किया गया है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो सिंधु नदी, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के द्वारा, तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निक्षेप जो जमा किए गए हैं, निक्षेप जो जमा किए गए हैं, निक्षेप के द्वारा इसका निर्माण हुआ है कच्छ प्रायद्वीप का। और यहां पर जो कच्छ प्रायद्वीप में यहां पे दलदली क्षेत्र मिलता है, कैसा दलदली, या हम कह सकते हैं लवणीय क्षेत्र मिलता है, लवणीय क्षेत्र पाया जाता है कौन से प्रायद्वीप में? कच्छ प्रायद्वीप। और कच्छ प्रायद्वीप कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर आता है उसको अपन बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप। सेकंड नंबर पे काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप भी गुजरात राज्य में स्थित है। और काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है यहां इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है, तो मैं लिख देता हूं यहां मैदानों की चौड़ाई सबसे कम पाई जाती है, कम पाई जाती है कौन से प्रायद्वीप में? काठियावाड़ प्रायद्वीप में। इसके अलावा यहां काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक पहाड़ियां मिलती हैं जिनको हम कहते हैं मांडव की पहाड़ियां। तो पहाड़ियां, तो यहां कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो मांडव की पहाड़ियां पाई जाती हैं, मांडव की पहाड़ियां। तो ये मांडव की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? इस काठियावाड़ प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। और ये जो मांडव की पहाड़ियां काठियावाड़ प्रायद्वीप में पाई जाती हैं, ये अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है मित्रों। किसका? तो अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का उदाहरण है। और अपवाह, अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र क्या होता है? तो अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र होता है जैसे बीच में एक चोटी होती है ऊंची, और जो वर्षा का जल आता है उसके चारों बाजू प्रवाहित होने प्रारंभ हो जाता है। जैसे अमूमन क्या होता है कि जैसे ये पर्वत चोटी हो गई तो नदियां इस प्रकार से बहती हैं, यहां पे इस क्षेत्र में बहती हैं। लेकिन अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार की चोटी होती है, इधर का पानी इधर, इधर का इधर, इधर का इधर और पीछे का पीछे, यानी चारों बाजू उस पहाड़ी के या चोटी के पानी प्रवाहित होता है, उसको बोलते हैं हम अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र। तो कहां पर पाया जाता है? ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। जो काठियावाड़ प्रायद्वीप कहां स्थित है? इस पश्चिमी तटवर्ती मैदान में, या हम कह सकते हैं गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट पाया जाता है यहाँ पे गुजरात के मैदान, और गुजरात के मैदान जो पाए जाते हैं, नाम से ही विदित हो रहा है कि उनका विस्तार कौन से राज्य में पाया जाएगा, तो गुजरात राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर, वो है गुजरात के मैदान, गुजरात के मैदान। मित्रों ये गुजरात के मैदान गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, और इनका जो निर्माण है इन मैदानों का, तो इनका निर्माण साबरमती, साबरमती, माही, नर्मदा प्लस तापी, इन नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स जमा किए गए हैं, जो अवसाद जमा किए गए हैं, उन अवसादों के द्वारा किन का निर्माण हुआ है? तो गुजरात के मैदानों का इनके द्वारा निर्माण हुआ है। इसके अलावा इन तीनों का विस्तार तो पाया जाता है गुजरात राज्य में। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर आता है जिसको अपन बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट। ये कोंकण जो तट है इसका विस्तार कहां पाया जाता है? तो इसका विस्तार मुख्यतः पाया जाता है जैसे गोवा में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है कोंकण तट। और ये जो कोंकण तट है, ये कोंकण तटों में यहां पे एक तो जैसे पैदा होती है आम, आम, नारियल और चावल, इनकी सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा होती है इसी कोंकण तट में, कर्नाटक। और नेक्स्ट आता है फाइव नंबर पे, वो है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। ये कन्नड़ तट पाया जाता है केरल में, ये कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा,
महाराष्ट्र और गोवा राज्य में पाया जाता है, कन्नड़ तट ये कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है मुख्यतः। और ये जो कन्नड़ तट है, यहाँ कन्नड़ तट पे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं और वो नदी घाटियाँ एक यहाँ पे प्रपात का निर्माण करती हैं, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है शरावती नदी, शरावती नदी। तो ये शरावती नदी है मित्रों, शरावती नदी यहाँ पे एक जोग जल प्रपात का निर्माण करती है, जोग जल प्रपात। तो जोग जल प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, कन्नड़ तट में है, ये शरावती नदी है जोग जल प्रपात का निर्माण करती है। और सबसे जो लास्ट में जो बचता है जिसको हम बोलते हैं मालाबार तट, किस नाम से जाना जाता है, माला सिक्स नंबर पर होता है, ये मालाबार तट पाया जाता है केरल में, केरल में या केरल के तटीय जो क्षेत्र है वहां पे ये मालाबार तट पाया जाता है। और इस मालाबार तट में यहाँ पे कई लेगून झीलें पाई जाती हैं, यहाँ पे खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और ये जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं वहाँ स्थानीय भाषा में, कौन सी भाषा में, स्थानीय भाषा में इनको कहा जाता है वहां पे कयाल, क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं और उनको स्थानीय भाषा में कयाल पाया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा तो विम्बनाड झील, कौन सी, विम्बनाड, विम्बनाड झील। और दूसरा सुना होगा अष्टामुंडी झील या अष्टामढ़ी झील, ये अष्टामढ़ी झील कौन से तट में पाई जाती है, इस मालाबार तट के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये अपन को याद रखना था किसके अंतर्गत, पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश के। ये लास्ट है, 5 मिनट और लूंगा मैं आपकी अधिकतम, आप मेरे साथ रिवीजन करोगे। तो देखो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बाद नेक्स्ट आता है तटवर्ती मैदानी प्रदेश, और जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश है इस तटवर्ती मैदानी प्रदेश का विस्तार इस कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के यहाँ होते हुए यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी एक पश्चिमी बंगाल में वहां तक पाया जाता है। ये इस पश्चिमी घाट और ये तट, इन दोनों के जो बीच का भाग है उसको अपन बोलते हैं तटवर्ती मैदानी प्रदेश। इन पश्चिमी जो तटवर्ती मैदान है इनका विस्तार कम पाया जाता है जबकि पूर्वी तटवर्ती मैदानों का विस्तार ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इस जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान में मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है और ऊंचाई ज्यादा होने के कारण इधर ढाल तेज है और ढाल तेज होने के कारण यहाँ पर नदियां नदमुखों का निर्माण करती हैं, किसका, एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। इसके अलावा इनका जो निर्माण या विस्तार जो पाया जाता है मैंने आपको बता दिया, कच्छ प्रायद्वीप से लेकर के स्वर्णरेखा नदी तक लगभग 6100 किलोमीटर में निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद प्लस जो ज्वार भाटे के द्वारा जो निक्षेप जमा किए गए उनके द्वारा हुआ है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, पहला पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश और पश्चिमी तटवर्ती या कच्छ प्रायद्वीप से कन्याकुमारी तक। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान कन्याकुमारी तक है, विस्तार पूर्वी तटवर्ती मैदान की तुलना में इसका कम पाया जाता है, नदियां यहाँ पे तेज ढाल होने के कारण नदमुख और एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको एक कच्छ प्रायद्वीप, इसका निर्माण सिंधु व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट काठियावाड़ प्रायद्वीप, यहाँ मैदान पाए जाते हैं, चौड़ाई कम पाई जाती है, मांडव की पहाड़ियां मिलती हैं और किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का एकमात्र उदाहरण तो कौन सी है, मांडव की पहाड़ियां काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के अंतर्गत है। नेक्स्ट गुजरात के मैदान, और जो गुजरात के मैदानों का निर्माण हुआ है वो साबरमती, माही, नर्मदा और तो तापी नदियां जो अरब सागर में आकर मिलती हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स जमा किए गए उनके गुजरात के मैदानों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट कोंकण तट, ये महाराष्ट्र और गोवा राज्य में स्थित है, यहाँ पे आम, नारियल, चावल आदि की पैदा बहुत आयात मात्रा में होती है। नेक्स्ट कन्नड़ तट, ये कर्नाटक में, यहाँ पे एक शरावती नदी है जो जोग जल प्रपात का निर्माण करती है। और लास्ट में बनता है मालाबार तट, केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी झीलें पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं जिन्हें हम किस नाम से जाना जाता है, उनको स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है, जैसे अष्टामढ़ी और विम्बनाड झील। तो ये हमको याद